गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर स्टोरी द बॉय हु क्राइड वुल्फ पार्ट फर्स्ट एंड देन पार्ट सेकेंड। लेट अस पार्ट फर्स्ट। द बॉय हु क्राइड वुल्फ। द बॉय हु क्राइड वुल्फ का मीनिंग होता है कि एक लड़का है जो वुल्फ को देख के चिल्लाता है, मतलब भेड़ियों को देख के चिल्लाता है। वो क्यों चिल्लाता है भेड़ियों को देख के, वो हम एक स्टोरी में रीड आउट करेंगे। आप ये स्टोरी ध्यान से सुनना, ठीक है। टुक टुक आ शेफर्ड बॉय। टुक टुक नेम का एक लड़का होता है, शेफर्ड मीनिंग चरवाहा, जो भेड़ और बकरियों को चराने के लिए लेके जाता है। टुक टुक आ शेफर्ड बॉय। टुक ही शीप टू द फॉरेस्ट डेली। वो अपनी शीप्स को फॉरेस्ट मीनिंग जंगल में डेली लेके जाया करता है। ही फेल्ट वेरी डल ऑल द डे। वो सारा दिन अपने आप को थका थका सा महसूस करता है। देयर वॉज नो वन टू टॉक टू। उसके साथ बातें करने वाला वहाँ कोई भी नहीं होता। वन डे ही थॉट टू हैव सम फन। एक दिन उसको ना एक मजाक सूझता है। ही क्लाइम्ब अप अ ट्री। वो एक ट्री पे चढ़ता है एंड शाउटेड एंड चिल्लाने लगता है, वोल्फ वोल्फ, भेड़िया है, हेल्प प्लीज, मेरी मदद करो, इट इज किलिंग माई शीप। वो मेरी शीप्स को मार देगा। द विलेजर्स रैन फॉर द हेल्प। जो विलेजर्स गांव के लोग होते हैं वो उसकी मदद करने के लिए भागते हैं। बट टुक टुक वाज स्टार्टेड लाफिंग। जो टुक टुक है वो हंसना शुरू कर देता है। दे अंडरस्टूड दैट ही हैज फूल देम। वो गांव वाले सब समझ आते हैं कि ये लड़का हमें मूर्ख बना रहा है। ओके, अब ये ध्यान से देखो, अब इसको स्पीक कैसे करोगे, कौन से साउंड में इसको स्पीक करना है। स्टार्टिंग से आप बोलोगे, माई स्टोरी नेम इज द बॉय हु क्राइड वुल्फ। माई स्टोरी नेम इज द बॉय हु क्राइड वुल्फ। टुक टुक अ शेफर्ड बॉय। टुक ही शीप टू द फॉरेस्ट डेली। ही फेल्ट वेरी डल ऑल द डे। देयर वॉज नो वन टू टॉक टू। वन डे ही थॉट टू हैव सम फन। ही क्लाइम अप अ ट्री एंड शाउटेड, वुल्फ वुल्फ, हेल्प, इट इज किलिंग माई शीप। द विलेजर्स रैन फॉर द हेल्प। बट टुक टुक स्टार्टेड लाफिंग। दे अंडरस्टूड दैट ही हैज फूल देम। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू अबाउट स्टोरी पार्ट फर्स्ट, लर्न इट प्रॉपरली, एंड देन पार्ट सेकेंड स्टार्टेड। थैंक्स।